नमस्कार उर्मिस कुकिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे दही भल्ले, जो बहुत बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। मैंने एक कटोरी उड़द लिया है और उसको मैं रात भर भिगो के रखी थी, इतना फूल गया है देखिए। इसको बिना पानी डाले ही ग्राइंड कर लेंगे। और एक ठो पैन ली हूँ मैं, इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। एक चम्मच अजवाइन डाल दी हूँ मैं, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच के करीब इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स मिला देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दें। एक चम्मच चाट मसाला डाल दी हूँ मैं इसमें, कुछ सादा नमक और कुछ काला नमक, सबको थोड़ा भून लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। गरम हो गया है हमारे मसाले, अब हम इन्हें पाउडर बना लेंगे। देखो मैं पाउडर बना ली हूँ इसका। मैंने उड़द को पीस लिया है, अब इसमें हाफ चम्मच जीरा ऐड कर दी हूँ मैं, स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे इसमें। और इसको 10 मिनट तक एक ही साइड में फेंट लेंगे, फेंटने से बड़े सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। रुई जैसे बनेंगे हमारे बड़े। मैंने 10 मिनट फेंट लिया है एक ही साइड में। अब कढ़ाई में तेल चढ़ाई थी मैं, गर्म हो चुका है, इसमें बड़े बना लेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया हमारा उड़द, फेंट दी हूँ तो फेंटने से बहुत ही अच्छा बड़ा बनता है, आप फेंट के ही बनाएं। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पलटते हुए छान लेंगे। बढ़िया हमारे हो गए, देखिए कितना सुंदर बने हैं। इसी तरह सभी बढ़िया हम लोग बना लेंगे। एकदम हल्के बन रहे हैं बड़े। पलटते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम लोग चलाते हुए पकने देंगे। देखिए ये बड़े भी हमारे लगभग हो चुके हैं। अब इन्हें हम छान लेंगे, हो चुके हैं। बाकी के बड़ों को भी ऐसे ही तल लेंगे, मैं इतना ही तलना दिखा रही हूँ। और अब सब बड़ों को हम लोग पानी में डाल देंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, रुई जैसे बड़ा बनता है फेंटने से। सबको पानी में डाल देंगे, सबको डुबाते हुए फूलने देंगे उसको। इसमें दो बार पानी बदल देंगे हम लोग, ताकि बड़ा सॉफ्ट हो जाए। एक बार मैं पानी में डाली थी और एक बार पानी में डाल देंगे। ये वाला बर्तन को निकाल लेंगे और बड़े को ढक देंगे। अब इसमें देसी घी और हींग का धुआं देंगे। भल्ले में धुआं देने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
कुछ आग लिया हुआ है हमने, अंगारे हैं, उसमें देसी घी हींग डाल दी हूँ मैं और ढक्कन बंद कर दी हूँ। उसमें जो धुआं निकलेगा उसमें पानी डाल देंगे हम लोगों, उस धुएं के पानी में सभी बड़ों को डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आता है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें नहीं तो स्किप कर दें। सारे बड़े हमारे देखिए फूल चुके हैं। अब हम सब चटनी तैयार कर ली हैं, मसाले, हरी चटनी, मीठी दही और इमली की चटनी सब बनाकर तैयार की हूँ मैं। अब बड़े बनाते हैं, चलो प्लेट में। दो प्लेट ली हूँ मैं, दोनों में बड़े निकालेंगे। दोनों प्लेट में मैं बड़ा दे रही हूँ। अब इसमें मीठी वाली दही, दही को आप शक्कर डालकर मत फेंटें, पानी पानी हो जाता है, शक्कर डालकर आप छोड़ दें, फ्रिज है तो फ्रिज में भर दें या तो ऐसे ही छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। दही डाल दी, उसके बाद में हरी चटनी डाल रही हूँ। ये हरा मिर्च, धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, अदरक दिया हुआ है इसमें, और ये मीठी इमली वाली चटनी है। और अब जो मसाले बना के रखे थे उन मसालों को डाल देंगे हम लोग। और ऊपर में थोड़ा थोड़ा दही डाल देंगे। दही भल्ले हमारे रेडी हो गए। दही के ऊपर में मैं फिर थोड़ा सा मसाला डाल दे रही हूँ। इसमें आपको अगर कम नमक लगे तो नमक डालकर भी खा सकते हैं, काला नमक टेस्ट के लिए लगाया हुआ है, लेकिन और भी दे सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दही भल्ला बना है। इसमें सेव भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको पसंद आए तो डालें नहीं तो ऑप्शनल है, ये स्किप कर दें। देखिए दिखाती हूँ कितना, देखिए रुई जैसे सॉफ्ट बना है। ऐसे दही भल्ला बनाएं और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।